क्या जा दुश्मन हुए गरुड़ जी, गरुड़ जी विनोदा के पुत्र हुए, सब एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। तो ऐसे उनके संसार हैं, तो ऐसे जो भिन्नता है, भिन्नता कुछ कारण के कारण, कुछ कारण उसको कद्रू के दासी बन के रहना पड़ता था, उसके दासी के हिसाब से रहना पड़ता था। तो जब ये गरुड़ जी प्रकट हुए, गरुड़ जी प्रकट होने के बाद उन्होंने देखे कि अरे हम हमेशा ये कद्रू और उनके बेटे का क्यों हम सेवा करें, कहीं पर भी जाता हो वहीं पर कुछ साधना का नहीं मिलता है, सारे जगह में इनका सेवा करना पड़ता है, तो कैसे छुटकारा मिले। तो वो जाके पूछने से बताए कि अगर हम लोग को अमृत आप दे दे देवता से लेके, तो हम लोग आपको छुट्टी दे सकते हैं। तो बोले ठीक है। तो गरुड़ जी ने अमृत लाने गए, वो बहुत बड़ा पास टाइम है कैसे कैसे अमृत लाए और उसको कैसा कैसा बाधा से गुजरना पड़ा, और उसी बाधा से गुजरते हुए भी वो अमृत को बहुत अच्छे से ला पाए। और अमृत ले जाने के टाइम उसको वो यहाँ पर जब उड़ रहे थे, अमृत का 2-3 बूंदा इस पेड़ के ऊपर गिर गया था, उसके कारण ये पेड़ अमर हो गया, अमृत का बूंद इस पेड़ में गिर गया। तो ये अमृत हो गया जिसके लिए अमृत लाया जा रहा था, नाग के लिए, नाग तो अमृत ले नहीं पाए, लेकिन ये इस पेड़ को भगवान के कृपा से अमृत मिल गया। क्यों मिला उसके और एक रीजन बताया जा रहा है। एक बार क्या है, गरुड़ जी उन्होंने आए, गरुड़ जी का जैसे खाना मछली होता है, तो ये जो कालिया ह्रद में बहुत सारे मछली थे, तो एक बड़े मछली को गरुड़ देखे ऊपर से, और मछली को पकड़ने के लिए वो आए। जब आए तो उस टाइम मछली लोग सब डर गए, मछली लोग डर के वो एक साधु के पास गए। वो साधु कौन है, सौवरी उन्हें यही पर ही अपना तपस्या कर रहे थे, बहुत सारा पास्ट टाइम जुड़े हुए हैं इस प्लेस के साइड में। तो सौवरी मुनि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, और सौवरी मुनि के पास वो लोग गए, जाके बोले कि देखिए ऐसे गरुड़ जी के कारण हम लोग थोड़ा अच्छा से घूम फिरते नहीं सकते हैं, तो कुछ कीजिए। तो उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दी, गुरु जी को श्राप दी कि आप कभी भी किसी भी टाइम में यहीं पर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, आपका मत हो जाएगा। तो गरुड़ जी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हुए, तो शुद्ध भक्त को अपराध ऐसे करना नहीं चाहिए, और गरुड़ जी को अपराध कर दिए, लेकिन गरुड़ जी कुछ रिमाइंड नहीं किया, कुछ इसको मतलब अपने दिल में नहीं लिया, गरुड़ जी चले गए। ठीक है, गरुड़ जी के पास इतना क्षमता था कि वो इस अपराध को खंडन कर सकते, क्योंकि भगवान के भक्त के पास इतना क्षमता रहता है, लेकिन वो लोग बहुत नम्र होते हैं, ह्यूमिलिटी उन लोगों के भूषण होते हैं। तो गरुड़ जी चले गए, लेकिन उसी वो जो पाप वो किए, मतलब जो अपराध किए हमारे सौगरी मुनि, उसके कारण हम देखते हैं कि वो इतने तपस्या के बावजूद भी वो अपने रिपु के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, और वो काम के वशीभूत होके उसका जो पतन हो गया था। और उसके साथ साथ ये जो मछलियां थी वो भी पाप के भागीदार थे, अपराध के भागीदार थे, तो कालिया भी आके उन लोगों को भी परिशुद्ध कर दिए। कालिया जी आते ही वो लोग सब अपना सब धाम प्राप्त कर ली, सब अपराध के कारण, ये सब मतलब जो अपराध किया और जिसके साथ अपराध संग दिए, तो ये सब के कारण ये सब हुआ। तो वैष्णव अपराध माना जाता है सबसे बड़ा अपराध है, तो वैष्णव अपराध से इसलिए हम लोग को बच के रहना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध के कारण यहाँ पर हम इसी जगह में देखते हैं कि सौभरी मुनि जो इतने साल तपस्या किए होते हैं, ये भी वो अपना काम के वशीभूत हो गया, अपना पतन हो गया, फिर जितने सारे यहाँ पर प्राणी थे सब वो अपराध के भागीदार हुए, तो इसके लिए उसको भी कालियाना के बीच से वो जल गया। ऐसे करके यहाँ पर इसका कहानी है। और एक कहानी यहाँ पर है जो चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन पधारे, तो उन्होंने अक्रूर घाट में रहते थे, अक्रूर घाट में रात को रहते थे, और दिन में आ जाते थे इमली तला। हम लोग इमली तला जाएंगे, और इमली तला में वो आके मतलब दो पैर तक अपना जप करते थे, अपना साधन भजन में बिजी रहते थे। तो ऐसे कई भक्त लोग आके चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि ये तो कलयुग का बात है, बोले कि हम लोग देखे कि रात में कृष्ण जी आके कालिया के ऊपर डांस कर रहे हैं, कृष्णा जी अपना लीला कर रहे हैं। तो
तो बहुत जन लोग बोले कि अरे चलो चलो देखने जाए देखने जाए, है ना। उस टाइम चैतन्य महाप्रभु के साथ वृंदावन में और एक जन आए थे, उसका नाम क्या था, उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ वो आए थे, झारखंड होते हुए इधर से आए थे। तो वो जो है वो बोले चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को बोले कि हम जाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले कि कुछ जरूरत नहीं है, कृष्णा जी कभी कलयुग में पास्ट टाइम नहीं करने वाले, ये सब झूठा कहानी है। बाद में पता चला क्या हुआ था, ये मछली पकड़ने के लिए कुछ बाबू लोग वो लोग रात में नाव में क्या है, नाव से वो अपना नेट फेंकते थे और वो नाव में लाइट रहता था, तो वो ऐसे दिखता था, लगता था कि सांप के ऊपर, और वो लोग बहुत जन सांप के मतलब नाव को सांप के जैसा दिखता था, और नाव के ऊपर वो लोग चलते फिरते थे, लाइट में उन लोगों का खाली पैर ऐसा दिखता था, लगता था कि वो लोग सांप के ऊपर डांस कर रहे हैं। तो सबको लगा कि सांप क्या है, बोट है, और कृष्णा कौन है, ये सब बाबू लोग जो लोग मछली पकड़ने के लिए आए, तो वो लोग ऐसे बोट पे चलते चल फिर रहे थे, तो लगा कि वो लोग कृष्णा कालिया के ऊपर डांस कर रहे हैं। तो बाद में जब पता चला, तब एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु पहले ही बता दिए थे ये जो लीला होते हैं भगवान के लीला, वो एकमात्र शुद्ध भक्त लोग अपने अपने वो लोग अनुभव कर पाते, वो लोग अपने हृदय से ये सब लीला को देख पाते। ऐसे ऑर्डिनरी जीवा के सामने भगवान कभी लीला नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे हम यहाँ पर दो दिन पहले आए ब्रांडवर में, और हम लोग यहाँ पर ऑटो लेके थोड़ा घूम रहे थे प्लेसेस, तो ऑटो वाला बोले कि भैया आप लोग के बंगाल से बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोले आप यूपी के लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, आप हरियाणा के नहीं देखेंगे, पंजाब के नहीं देखेंगे, राजस्थान के इतना नहीं देखेंगे, आप मध्य प्रदेश का नहीं देखेंगे, सारे बंगाल का लोग ही आप देखेंगे भरे पड़े हुए हैं वृंदावन में। अच्छा 70% तो जो भी हो, तो इतने बंगाली लोग यहाँ पर भरे पड़े हुए, तो ये हमारे चैतन्य महाप्रभु का देन है। चैतन्य महाप्रभु जैसे हम वो सॉन्ग है सॉन्ग में बताते हैं, यदि गौर ना हुई तो की हुई, तो अगर गौरांग महाप्रभु ना होते हम लोग वृंदावन के महिमा को जान नहीं पाते थे। और गौरांग महाप्रभु के इस लाइन पे बहुत सारे अपसंप्रदाय भी आए हैं, जो लोग यहीं पर हैं, जो लोग थोड़ा सहजिया है, सहजिया सखी है, बहुत सारे संप्रदाय है जो ये लोग ऐसे अफवाह फैलाते रहते हैं कि कृष्णा जी हमारे साथ ये लीला किए, कृष्णा जी को वहां पर दिखाई दिया, ऐसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु को पता था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम लोग को पहले ही बोल दिए कि कभी भी ये सब चीज को हम लोग को सीरियसली नहीं लेना है, हम लोग को दर्शन भगवान जी का करना है, तो किसके दौरान, श्रवण के दौरान। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु डांट दिए कि नहीं जाना है भगवान जी को, हम लोग इस चर्म चक्षु से नहीं देख पाएंगे, हम लोग एकमात्र श्रवण के दौरान भगवान जी को देख सकते। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा शिक्षा दिया, जो उनके उनके अनुयायी में फिर आते हैं हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसका लीला हम लोग सही में करेंगे, वो भी अपने शिष्यों को ऐसे डांट के, उनके शिष्य लोग ऐसे कथा छोड़ के भगवान के दर्शन के लिए चले गए, तो वो डांट दिए कि अरे भगवान का दर्शन करके भगवान का क्या सेवा कर लेगा तुम, और वो भी कुछ सेवा नहीं कर पाओगे भगवान का, जब भगवान के हरि के जब लोग कथा नहीं सुनते हैं, हरि का गुण कीर्तन नहीं सुनते हैं, तब तक भगवान के सेवा में मन ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए भगवान की सेवा तब भी हो सकता है जब हम श्रवण करें। तो यहाँ पर भगवान ने हम देखते हैं इस रात में अपराध के बारे में हम लोग शिक्षा ले सकते हैं कि वैष्णव अपराध से कितना डेंजरस है और कैसे हम लोग दूर रहना चाहिए, और हम लोग को ये सहजिया से दूर रहना चाहिए, और हरि कथा जो है और हरि धाम जो है वो एकमात्र श्रवण के दौरान ही हम लोग हमारे दिल में ले सकते हैं और इसके अंदर घुस सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग नेक्स्ट